हेलो एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम टू अचीवर्स यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एनटीपीसी का नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज आठवां सेट को सॉल्व करने वाले हैं। इस सेट में भी हम लोग पिछले सभी सेट्स की तरह जीके जीएस के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप लोग हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे, 7 लेक्चर एनटीपीसी पे हो चुके हैं, ये 8वां है, तो उसको अगर यदि आप लोगों ने एक भी मिस किया तो कृपया करके जाके सभी वीडियो देखिए, काफ़ी हेल्पफुल है। ये एग्ज़ाम के बेसिस पे बनाया जा रहा है, जो भी हम लोगों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो जाइए सभी वीडियोज़ जो आपने मिस किए हैं अभी तक उनको फिर से जाके देखिए। चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब करवाओ, और खुद भी करो अगर नहीं किया है तो दोस्तों से करवाओ, और बेल आइकन को भी प्रेस करवाओ, घंटा उंटा दबाओ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को जो है सही समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए ये सब बातें हो गई, अब हम लोग अपने वीडियो के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि जल की बूंदें इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं, इसका क्या कारण है? तो जल की बूंदें इंद्रधनुष का निर्माण करती है, इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष हमेशा बारिश होने के बाद निकलता है। पहले क्यों नहीं निकलता है, या फिर बारिश के टाइम पे क्यों नहीं निकलता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब बारिश हो रही होती है, बारिश होने के बाद जो एटमॉस्फेयर में क्या कहते हैं, बारिश की बूंदें, बारिश के जो कण बूंदें बची होती है एटमॉस्फेयर में, तो उन कणों से क्या होता है कि सूर्य का जो सन का जो लाइट होता है वह उस कण से विक्षेपित होकर परावर्तित या अपवर्तित होकर 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, 7 कलर में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो वह जो 7 कलर होते हैं, वह 7 कलर कौन कौन से होते हैं? तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन 7 कलरों में क्या हो जाता है, वो विभक्त हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो बारिश की बूंदों में से टकराने के बाद क्या होता है, उनका विक्षेपण हो जाता है। आप लोगों ने प्रिज्म के बारे में पढ़ा होगा पहले, तो उसमें क्या होता था कि एक प्रकाश की किरण जाती थी और वह 7 अलग अलग किरणों में क्या होती थी, विभक्त हो जाती थी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है, जिसके कारण इंद्रधनुष हम लोगों को दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और यदि आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में अधिक जानना है, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में, तो हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है इसका, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का, वहाँ से जाके आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, एकदम डीप में पढ़ाया गया है, अच्छा जाके वहाँ से पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में अग्नाशय किस तंत्र का भाग है? तो मानव शरीर में अग्नाशय जो है वह पाचन तंत्र का भाग है। मानव शरीर में अग्नाशय क्या होता है, अमाशय जो हमारा होता है उसके यहाँ नीचे ऐसे लगा होता है। ठीक है, अमाशय के नीचे लगा हुआ होता है अग्नाशय हमारा। अग्नाशय जो है वह एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब यह जो है हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करती है। ठीक है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमाटोस्टैटिन, ये सब क्या करती है, रिलीज करती है। और यह हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, किसी भी टाइप का जो भोजन हम लोग लेते हैं, वसा हो, उसको पचाने के लिए पाचक किण्वक भेजती है। ठीक है, ऐसे हार्मोन्स भेजती है जिससे क्या होता है कि वो खाना जो हमारा होता है, भोजन जो होता है, वह पच जाता है। ठीक है, तो इसका काफ़ी उपयोग है हमारे पाचन तंत्र में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पाचन तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर का सामान्य तापकरण जब 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है?
तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं हाइपरपिरेक्सिया। हाइपरपिरेक्सिया कोई बीमारी हम लोग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का लक्षण है, इसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, सामान्य जो हमारा टेम्परेचर उससे क्या होता है, बढ़ जाता है। यह उन लोगों में होता है जिनमें पहले से कोई ना कोई बीमारी होती है, जैसे कि या तो उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, ट्यूमर हो, इंसेफ्लाइटिस हो, हेपेटाइटिस हो, इस प्रकार की कोई बीमारी हो, श्वसन करने में उनको सांस लेने में दिक्कत होती हो, तो उनका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कभी कभी बढ़ जाता है, ज़्यादा पसीना आने लगता है, सर में दर्द होता है, तो ये लक्षण होते हैं हाइपरपिरेक्सिया के, ठीक है। तो आंसर हमारा डी हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि IMO प्रयुक्त होता है, मतलब कि IMO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IMO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन एक प्रकार की संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाई गई यह संस्था है, उसके उनके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर यह काम करती है। इसका काम है कि बड़े बड़े जहाज जो चलते हैं समुद्रों में, उनको नियंत्रण करना, उनके यातायात को नियंत्रण करना, ठीक है, तो कोई तो उनको नियंत्रित करेगा, तो वो कौन करता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है। इस संगठन की स्थापना की गई थी 1958 में जेनेवा में, कब 1958 में जेनेवा में की गई थी, और 1982 तक इसको कहा जाता था अंतर सरकारी समुद्री सलाहकारी संगठन, क्या, अंतर सरकारी समुद्री सलाहकारी संगठन कहा जाता था इसको 1982 तक, ठीक है। इसकी स्थापना 1958 में जेनेवा में हुई थी। अभी इसका हेडक्वार्टर जो है वह कहाँ पे है, तो वह है लंदन में, कहाँ पे, लंदन में, ठीक है। और इसके अभी जो प्रमुख है वह है किटेक लिम, कौन, किटेक ठीक, लिम, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दूर संवेदी चंद्र उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया गया था 2008 में, ठीक है, 2008 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। अब चंद्रयान आया है यहाँ पे क्वेश्चन, तो चंद्रयान के बारे में हम लोग जानते हैं, तो यह चंद्रयान फर्स्ट जो है यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, इसरो के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला, या फिर चंद्रमा के लिए भेजा गया पहला, क्या था, या पहला कह सकते हैं इसको, कार्यक्रम था, ठीक है, ऐसा पहला कार्यक्रम था जो चंद्रमा के लिए भेजा गया था इसरो के द्वारा। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को, मतलब ह्यूमनलेस, ठीक है, कोई आदमी नहीं था उसके अंदर, 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था यह चंद्रमा पर, ठीक है, और यह लगभग 10 महीने तक हम लोग बोल सकते हैं कि यह सक्रिय रहा था, लगभग 30 अगस्त 2009 तक यह सक्रिय रहा था, ठीक है, स्टार्ट चालू रहा था। चंद्रयान फर्स्ट को भेजने वाला जो रॉकेट था वह क्या कौन सा था, तो वह था PSLV, कौन सा, PSLV के द्वारा भेजा गया था। PSLV का मतलब होता है पोर्टल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इसके द्वारा भेजा गया था। और इसको भेजा कहाँ से गया था चंद्रयान फर्स्ट को, इसको भेजा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसका जो उतरने का डेट था चंद्रमा पे वह था 14 नवंबर, ठीक है, 2008 को उतरा था यह, ठीक है। और इस जब यह उतरा तो इसी के दौरान हम लोग जो है चौथे ऐसे देश हो गए जिसने चंद्रमा पे अपना झंडा लहराया, ठीक है, कितने नंबर के, चौथे नंबर के देश हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2008 में चंद्रयान को प्रक्षेपित किया गया था, आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को कमेंट करके बताना है, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता है कि चंद्रयान 2 भी लॉन्च हुआ था जो कि विफल रहा था, उसके बारे में आप लोगों को जो जो पता है कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या उसमें था, ठीक है, और जो भी पता है आपको उसको कमेंट करके आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 6th क्वेश्चन, उसको आप देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्यभार
संभाला था। तो जो स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे वह थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह उप प्रधानमंत्री भी थे और साथ साथ गृह मंत्री भी उसी टाइम पे थे। जितने कार्यकाल के लिए उप प्रधानमंत्री रहे थे उतने टाइम के लिए गृह मंत्री भी रहे थे। इनका जो है इनका पदाग्रहण जो हुआ था, यह पद पर जो बैठे थे 1947 में बैठे थे और 1950 तक यह उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है कि कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। बताना है कि कैप्चा जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है किस टाइप का है, किस टाइप का प्रोग्राम है। तो यह प्रोग्राम है मशीन इनपुट से ह्यूमन इनपुट की पहचान कराना। तो आप लोग पूछ सकते हैं कैप्चा का उपयोग क्या है, इसका ये बनाया क्यों गया था। ठीक है, तो कैप्चा का पहले तो मैं आप लोग को पूरा नाम बता दूं कि पूरा नाम बहुत बड़ा नाम है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि इसमें 7 वर्ड है कैप्चा में, तो सबका अलग अलग फुल फॉर्म है। ठीक है, तो कैप्चा में का फुल फॉर्म हो जाता है कंप्लीट ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक है, कंप्लीट ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, इतना बड़ा इसका फुल फॉर्म है जो कि एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं कि सबसे पहले कैप्चा का उपयोग जो 2003 में किया गया था, इसको 2003 में सबसे पहले लाया गया था। इस तकनीक से हम लोग इंसानों और मशीन में फ़र्क कर सकते हैं। इंसान और मशीन में अगर फ़र्क कैसे पता करना है, तो कैप्चा का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि यदि कोई रोबो कंप्यूटर चला रहा है बैठ के, कोई रोबोट अगर कंप्यूटर चला रहा है बैठ के, तो कैसे पता चलेगा कि रोबो चला रहा है या इंसान चला रहा है, कंप्यूटर को ये चीज़ कैसे पता चलेगा। तो वह क्या करती है, एक कैप्चा भेजती है, जो क्या कर कैप्चा में या फिर कोई नंबर होगा, कोई टेक्स्ट डालना होगा, किसी प्रकार का कुछ डालना होगा, नोट डालना होगा, तो वह एक रोबो नहीं डाल सकता है, लेकिन एक इंसान उसको आराम से पढ़ के डाल सकता है। तो इससे पता चल जाएगा कि आदमी चला रहा है कंप्यूटर या रोबो चला रहा है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इंसान और रोबो में फ़र्क करने के लिए। ठीक है, इंसान और मशीन में फ़र्क करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गला खराब है आज थोड़ा मेरा, सॉरी उसके लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला है कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, यहीं पे गलत हो गया। जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं होता है। मिश्रण क्या होता है, जब हम लोग किसी दो अलग अलग पदार्थ को, अलग अलग तत्व को, अलग अलग पदार्थ को कह सकते हैं हम लोग मेनली कि किसी भी कंपोजिशन में मिलाते हैं। ठीक है, कोई नेट उसका वेट नहीं लेते हैं, 1 किलो ले लिए तो उधर एक पदार्थ 2 किलो ले लिए, एक 500 ग्राम लिए तो एक 10 किलो ले लिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी कंपोजिशन में लेकर मिला दिए, वह क्या हो गया, मिश्रण हो गया। ठीक है, और फिर दूसरा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वाटर का यानी कि जल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वह होता है H2O। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कहीं पे नाइट्रोजन दिख रहा है क्या, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट भी गलत हो गया क्योंकि मिश्रण तो नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा है कि जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है, यौगिक है। एक मिनट साफ कर देता हूँ, जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है, यौगिक है। तो यौगिक आप लोगों को पता होना चाहिए कि यौगिक क्या होता है। जब हम लोग किसी भी दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट को रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करके वह एक नया प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, यदि हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा रहे हैं तो वह रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। ठीक है, तो H2O क्या होता है, वाटर होता है, जो जिसका प्रॉपर्टी ना तो हाइड्रोजन से मिलता है ना ऑक्सीजन से मिलता है, एकदम डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है, यौगिक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो मगरमच्छ के बच्चे को हम लोग कहते हैं हैचलिंग। क्या कहते हैं, हैचलिंग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन हमारा है
कि 1 और 2 रुपए के सिक्के अब बनाए जाते हैं। तो 1 और 2 रुपए के सिक्के जो है बनाए जाते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से। पहले तांबे से बना दिया जाता था, निकल से बना दिया जाता था, उन दोनों को तांबे और निकल को मिक्स करके मेनली बनाया जाता था। अब लेकिन उसे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील्स जो होते हैं वह 4 अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 4 अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है इसका यूज किया जाता है बनाने के लिए। इसमें क्या होता है कि 17% क्रोमियम का यूज होता है, ठीक है, 17% क्रोमियम CR, और बाकी का जो 83% होता है वह आयरन का यूज किया जाता है, ठीक है। इसलिए आयरन फेरेटिक, फेरेटिक मतलब क्या होता है, फेरस, फेरस मतलब आयरन का नाम होता है। आयरन का केमिकल नाम क्या होता है, फेरस, ठीक है, फेरस फेरिक। तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि आयरन का यूज हुआ होगा और स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का यूज किया जाता है। तो इस तरह से 1 और 2 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से। हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 1985 में यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किसे उसके अनूठे प्राकृतिक वातावरण के कारण विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। तो 1985 में मानस वन्यजीव अभयारण्य जो कि असम में है उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल घोषित किया था, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने को है नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पे बस हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के जानवर, बाघ, एक सिंह वाला गेंडा भी यहाँ पाया जाता है, काजीरंगा भी यहाँ यहीं पे है जिसमें एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है, लेकिन मानस में भी पाया जाता है, ठीक है। मेनली प्रसिद्ध काजीरंगा एक सिंह वाले गेंडे के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और मानस वन्य जीव अभयारण्य का नाम मानस इसलिए है क्योंकि यहाँ यह मानस नदी इसके आसपास बहती है, तो इसका इस वन्य जीव अभयारण्य का नाम क्या हो गया, मानस वन्य जीव अभयारण्य। और अगर हम लोग विश्व विरासत स्थल की बात करें तो विश्व विरासत स्थल जो है इस साल, मतलब इस साल नहीं सॉरी 2019 में लेटेस्ट जो विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था वह जयपुर सिटी को किया गया था, ठीक है, जयपुर सिटी राजस्थान को विश्व विरासत स्थल 2019 में किया गया था। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ लोग जो है ये भी पूछ सकते हैं कि किसी भी जगह को विश्व विरासत स्थल क्यों घोषित किया जाता है, ठीक है, क्यों किसी स्थल को हम लोग घोषित करते हैं विश्व विरासत स्थल। तो यह जो कार्यक्रम चलाया गया है विश्व विरासत स्थल घोषित करने का, इसका उद्देश्य है कि जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, या चीज़ है, ऐसी कोई मेनली स्थान ही, तो उनका जो है संरक्षण करना, ठीक है, उनको बचा कर रखना अगली पीढ़ी के लिए, इसलिए उसको विश्व विरासत स्थल में घोषित किया कर दिया जाता है। टोटल विश्व में अगर हम लोग देखें तो 1121, ठीक है, 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, विश्व विरासत स्थल है। तो क्या कहते हैं, अब मैं बता दूं ये भी कि इंडिया में कितने हैं। तो इंडिया में टोटल 38, इंडिया में टोटल कितने विश्व विरासत स्थल, 38 विश्व विरासत स्थल हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो रहा है, बी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन, पहली भारतीय महिला किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली, तो वह थी सुचेता कृपलानी जी, जो कि पहली भारतीय महिला थी जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। अच्छा, यह किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, तो यह बनी थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, ठीक है, ज़्यादा कुछ जानने को नहीं इस क्वेश्चन में। अगला देख लेते हैं। अगला है कि पाकिस्तान के किस शहर में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना ने 2011 में मार डाला था। तो ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने 2011 में अमेरिकी सेना ने बिलाल शहर है वहाँ पे, एक बिलाल शहर में मार डाला था। अच्छा, इससे एक रिलेटेड फैक्ट है कि जिस हेलीकॉप्टर के हेल्प से ओसामा बिन लादेन को मारा गया था उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, उस हेलीकॉप्टर का नाम अपाचे था, और उस हेलीकॉप्टर को अपाचे जिसकी बाइक भी आती है, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है बाइक, तो आप लोग जानते होंगे इस नाम से याद भी रह जाएगा कि अपाचे नाम का बाइक आता है जिससे क्या कहते हैं ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, लेकिन बाइक से नहीं हेलीकॉप्टर से मारा गया था, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि यह जो हेलीकॉप्टर था इसको क्या नाम दे दिया गया, जब से ओसामा बिन लादेन को इस हेलीकॉप्टर के मदद से मारा गया तो इसको
क्या नाम दिया गया यह आप लोगों को नहीं बताना है, मैं ही बताऊंगा कि इसे लादेन किलर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला ऑप्शन हम लोग देख, अगला क्वेश्चन सॉरी देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो बंगाल विभाजन का आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सन 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 1905 में जब विभाजन हुआ था, उस टाइम पे भारत में जो ब्रिटिश वायसराय थे वह कौन थे? वह लॉर्ड कर्जन ही थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवादियों, जो भी भारत में क्रांतिकारी थे, उनके विरोध के बावजूद भी बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो इसी बंगाल के विभाजन के कारण 16 अक्टूबर को हर साल 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शोक दिवस 16 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। इस बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ जो आंदोलन है, उसमें इम्पोर्टेंट आंदोलन है एक स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उस आंदोलन में क्या किया गया था कि इंडियन क्रांतिकारियों और इंडिया के लोगों द्वारा ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार कर दिया गया था। ब्रिटिश कपड़े, ब्रिटिश सामान, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड का जो भी सामान होता था उसको क्या कर दिया गया था? बहिष्कृत कर दिया गया था स्वदेशी आंदोलन के तहत। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर हम लोगों को पता चल गया है कि आंसर क्या है, ए है, लॉर्ड कर्जन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई एक विनियामक संस्था है। तो आरबीआई आप लोगों को ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि विनियामक संस्था है किसकी? बैंकों की। ठीक है, यह क्या करती है? आरबीआई जो है इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। या एक हमारा सेंट्रल बैंक है, या हमारा केंद्रीय बैंक है, जो इंडिया में बाकी सभी चलने वाले बैंकों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसका यही काम है, इसलिए इसको विनियामक संस्था कहा जाता है बाकी बैंकों के लिए। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, आप लोगों को पता ही होगा। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1935 में, मतलब कि अभी से 85 वर्ष पहले। और अभी गवर्नर कौन है? तो अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, जो कि 16th क्वेश्चन है कि वेब पेजेस किसके प्रयोग द्वारा लिखे जाते हैं? तो वेब पेजेस लिखने के लिए हमें उपयोग करना पड़ता है HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक प्रकार का लैंग्वेज है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये एक प्रकार का क्या है? लैंग्वेज है। इसका उपयोग करते हैं हम लोग वेब पेज और वेब ऐप बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका किस में उपयोग किया जाता है? वेब का पेज हम लोग बनाने के लिए, या फिर वेब ऐप बनाने के लिए हम लोग करते हैं इसका उपयोग। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज सी। 17th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा, जो है कि T20 विश्व कप में एक ओवर में 6 छक्का मारने वाला क्रिकेटर कौन था? तो 6 छक्का मारने वाला क्रिकेटर कौन था? बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, इस डिकेड का तो सबसे हार्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही है कि कौन सा क्रिकेटर 6 छक्का मारने वाला है। तो ये आप लोग तो अच्छे से जानते होंगे कौन है, युवराज सिंह। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। कब हुआ था? आई थिंक 2007 का वर्ल्ड कप था, है ना? 2007 था या 8 था, 2007 का T20 वर्ल्ड कप था शायद, मेरे हिसाब से। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि कब का था, जिसमें स्टुअर्ट ब्रॉड को इन्होंने 6 छक्का मारा था इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किसका गहन सर्वेक्षण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? पहले तो ये जान जाइए कि न्यू स्टार है क्या। तो न्यू स्टार एक एक्सरे टेलीस्कोप है, एक प्रकार का क्या है? टेलीस्कोप है। अब इसका उपयोग किसका गहन सर्वेक्षण करने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं ब्लैक होल, मतलब कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल्स के गहन सर्वेक्षण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा, न्यू स्टार है क्या? न्यू स्टार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो न्यू स्टार का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप अरे। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप अरे। ठीक है, यह एक स्पेस
बेस्ड टेलीस्कोप है, ठीक है, स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप है जिसका उपयोग हम लोग ब्लैक होल के सर्वे के लिए करते हैं। मतलब यदि हम लोगों को ब्लैक होल के बारे में जानना है कि वहाँ पे क्या घटनाएं घट रही है, तो उसके लिए हम लोगों को न्यू स्टार टेलीस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आंसर में हम लोगों को आया है ब्लैक होल, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ब्लैक होल जो है हमारे गैलेक्सी में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि उसमें अगर कोई भी पदार्थ कोई भी वस्तु एक बार चली जाए तो वापस आना उसका मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है, ठीक है, आ ही नहीं सकती वापस, इतना ज़्यादा वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है। और उसके चारों तरफ एक सीमा रेखा है, ठीक है, उसमें एक बार जो वस्तु गिर गई वह कभी बाहर नहीं आ सकती है। तो ब्लैक होल के बारे में भी जान गए हम लोग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो किसी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वह करते हैं राष्ट्रपति हमारे देश के, ठीक है, तो आंसर हमारा है ए। अब जो राज्य के राज्यपाल का पद है, ठीक है, वह किस अनुच्छेद में आता है, आप लोगों को यह बताना है कि राज्य के राज्यपाल का जो पद है वह किस अनुच्छेद में आता है, और राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं यह किस पद में दिया है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह किस अनुच्छेद में दिया है, यह मैं बताऊंगा, यह दिया है 155 अनुच्छेद में, ठीक है, कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, यह किस में दिया, 155, आंसर इज ए है हमारा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि 20th क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है, इसमें कुछ खास बताने को है नहीं, पश्चिम बंगाल जो है हमारा क्या है, चाय उत्पादक राज्य है, क्यों है मुख्य प्रमुख, वहाँ का जलवायु वहाँ का वातावरण, ठीक है, वहाँ का जो डिफरेंट वातावरण है, खास करके पश्चिम बंगाल में भी जो एरिया दार्जिलिंग का एरिया है वहाँ पे चाय का काफ़ी उत्पादन होता है, क्योंकि वह क्या कहते हैं वहाँ पे नॉर्मल हमेशा टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा ना कम, ठंड के टाइम में काफ़ी ठंड हो जाता है, ऐसे नॉर्मल रहता है, तो वह चाय के लिए काफ़ी सूटेबल वहाँ पे वातावरण मिलता है, इस कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि ऊष्मा के अवशोषण के लिए जल का वाष्पीकरण सिद्धांत प्रयुक्त होता है, ऊष्मा के अवशोषण के लिए जल का वाष्पीकरण सिद्धांत, तो देखिए जो माइक्रोवेव ओवन है इसमें ऊष्मा का अवशोषण तो होता है लेकिन जल का वाष्पीकरण नहीं होता है, गीजर में भी ऊष्मा का अवशोषण होता है लेकिन जल का वाष्पीकरण नहीं होता है, इलेक्ट्रिक केटली में भी सेम होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर डिफरेंट है, यह क्या करता है ऊष्मा का किसी भी पदार्थ का ऊष्मा का अवशोषण कर उसको ठंडा बना देता है, ठीक है, उसके ऊष्मा का अवशोषण कर जल को वाष्पीकृत कर देता है और उसमें रखे जाने वाले पदार्थ को यह क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, जहाँ की माइक्रोवेव ओवन है उसमें यदि हम लोग कोई पदार्थ डालेंगे तो वह क्या करता है, ऊष्मा दे के उसको, ना कि अवशोषित करके, ऊष्मा दे के उसको गर्म करता है, खाना हम लोग पकाने के लिए मेनली यूज किया जाता है माइक्रोवेव ओवन, आप लोगों को पता ही होगा, और गीजर से हम लोग पानी गर्म करते हैं, ठीक है, तो पानी गर्म करने भी हम लोग ऊष्मा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो जाएगा ना कि ऊष्मा का अवशोषण होगा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, गीजर में भी ऊष्मा देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक केटली में भी सेम है कि अगर इसलिए इलेक्ट्रिक केटली है उसमें चाय बनाना है कुछ भी बनाना है उसमें भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा, चाहे इलेक्ट्रिक के मीडियम से लेकिन ऊष्मा लगेगी उसमें, लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, किसी वस्तु को हम लोग रख देंगे तो उसका ऊष्मा वो अवशोषित करके उसे ठंडा बना देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। चलिए 22 पे चलते हैं, हमारा जो 22 क्वेश्चन है वह मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, तो मानव शरीर में जो कंठ है उसको कहा जाता है वॉइस बॉक्स, क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है, वॉइस बॉक्स तो ऐसे नॉर्मल कहा जाता है नॉर्मल लाइफ में, लेकिन ऐसे लैरिंग्स कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, इसको बायोलॉजिकल टर्म में लैरिंग्स कहा जाता है, यह एक ऑर्गन है, यह एक अंग है जो कि हमारे गले के सबसे ऊपर होता है, टॉप में होता है, कहाँ पे, टॉप पे होता है, हमारे गले के सबसे ऊपर होता है, इसका उपयोग हम लोग ब्रीथिंग के टाइम पे या फिर बोलने के टाइम पे भी करना पड़ता है, लैरिंग्स का उपयोग मेनली बोलने के टाइम पे करना पड़ता है, साउंड के टाइम साउंड के लिए, तो इसलिए इसको वॉइस बॉक्स भी
कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना है। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो आंसर हमारा है ए। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनको ग्लैडस्टोन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है, ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनको वित्तीय मामलों की काफ़ी ज़्यादा समझ थी। ठीक है, वित्तीय मामले जो होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा समझ होने के कारण उन्हें ग्लैडस्टोन कहा जाता था। वह जो है महात्मा गांधी, इसी कारणों से महात्मा गांधी ने उनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। उनको काफ़ी नॉलेज थी इन सब चीज़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित है, NFC। NFC किस पर आधारित है? तो NFC का फुल फॉर्म तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्वेश्चन में ही है। तो आंसर हमारा है कि शॉर्ट रेंज हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन पर। तो आंसर से जैसे पता चल रहा है कि शॉर्ट रेंज हाई फ्रीक्वेंसी। देखिए NFC क्या होता है कि यदि हम लोग किसी दो डिवाइस को हम लोगों को कनेक्ट करना है बिना किसी वायर के, वायरलेस। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों को किसी दो डिवाइस को कनेक्ट करना है तो NFC का ही उपयोग किया जाता है। NFC में क्या होता है कि हम लोग किसी दो डिवाइस को 4 सेंटीमीटर से कम दूरी में रखना पड़ता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, या फिर टच भी करवा सकते हैं, या 4 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रख के उसको रेडियो संचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, शॉर्ट रेंज हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन। शॉर्ट रेंज के लिए और हाई फ्रीक्वेंसी होता है काफ़ी, इसलिए इसको शॉर्ट रेंज हाई फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में मुख्यतः जो पाए जाते हैं वह है पतझड़ वन। भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं। आंसर हमारा है ए। ज़्यादातर पतझड़ वन पाए जाते हैं भारत में हम लोगों के पंजाब के एरिया में, राजस्थान में, गुजरात में। ठीक है, इन सब एरिया में, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन होता क्या है, पतझड़ वन होता है कि किसी एक खास ऋतु में इन वनों के सभी पत्ते क्या हो जाते हैं, अपने आप झड़ जाते हैं। खासकर शीत ऋतु में इन पौधों के क्या होते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं पूरे वन के। तो इसलिए इस पूरे वन को ही पतझड़ वन कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि नासा का मुख्यालय स्थित है। तो नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई लोग, नासा का मुख्यालय Washington DC में स्थित है। कहाँ पे, Washington DC। आंसर हमारा है ए। अच्छा, Washington DC कहाँ है, तो Washington DC अमेरिका में है। ठीक, USA में Washington DC, और Washington DC वहाँ का कैपिटल भी है। स्थापना कब हुई थी नासा की स्थापना हुई थी 1958 को, मतलब कि आज से 62 वर्ष पहले 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने अपने हेडक्वार्टर बिल्डिंग का नाम जो है, अभी मतलब करंट से जुड़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसने अपने हेडक्वार्टर बिल्डिंग का नाम अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर Mary W. Jackson के नाम पर रखा है। एक अफ्रीकन अमेरिकन जो है फीमेल इंजीनियर थी Mary W. Jackson, उनके नाम पर अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब जुलाई का न्यूज है ये, उन्होंने अपने हेडक्वार्टर का नाम उनके नाम पर रख दिया है। ठीक है, तो ये करंट से रिलेटेड इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोग, क्योंकि करंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं करंट से। और यदि आप लोगों को अपना करंट अच्छा करना है, काफ़ी मजबूत करना है, तो हमारा जो चैनल है इस पर डेली हम लोग क्या कहते हैं करंट का डालते हैं वीडियो, और काफ़ी अच्छा होता है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, डेली आता है करंट का। तो चलिए, हमारा जो 26 का आंसर हो गया वो हो गया ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कुर्नुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। कुर्नुकुलम न्यूक्लियर प्लांट जो है तमिलनाडु में ही जगह है, कुर्नुकुलम वहीं पर स्थित है। इसमें जो है हम लोग लगभग 2000
मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है, या इसकी क्षमता कितनी है 2000 मेगावाट की, जो कि तमिलनाडु में है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। 28th क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में निम्नलिखित में से किसने विशिष्ट भूमिका निभाई थी। तो जो भूमिका निभाई थी पुनरुत्थान में नालंदा विश्वविद्यालय के, वह थे अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन जो थे वह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे। जब वह कुलपति थे तो बने थे तो नालंदा विश्वविद्यालय की हालत काफ़ी खस्ता थी, लेकिन उनके कुलपति बनने के बाद काफ़ी उसके क्या कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के में सुधार आया। ठीक है, उनके कुलपति बनने के बाद काफ़ी ज्ञानी थे ये, उनको क्या कहते हैं वह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में उनको अर्थशास्त्र में मिला है नोबेल प्राइज़। और भारत रत्न उनको अगले ही साल 1999 में भारत रत्न उनको दे दिया गया। तो इनका जो भूमिका था काफ़ी नालंदा विश्वविद्यालय को वापस खड़ा करने में है। आंसर हो गया हमारा अमर्त्य सेन। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस हम लोग करते हैं कब और क्या होता है। तो डायलिसिस क्या होता है कि जब हमारा बॉडी हमारे ब्लड को प्यूरीफाई नहीं कर पाता है, मतलब कि साफ नहीं कर पाता है, शुद्ध नहीं कर पाता है, शोधन नहीं कर पाता है। हमारे ब्लड को जब हमारा शरीर शुद्ध नहीं कर पाता है तो हम लोगों को डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस की प्रक्रिया करवानी पड़ती है, जिस प्रक्रिया में ब्लड को प्यूरीफाई किया जाता है। हमारे ब्लड को क्या किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है। अब जो है डायलिसिस करवाने का कारण क्या है, तो वह है गुर्दे की खराबी। क्या होता है कि हमारे जो गुर्दे होते हैं, मतलब कि ब्रिक किडनी, ठीक है, उसके खराब हो जाने के कारण हम लोगों को डायलिसिस करवाना पड़ता है। हमारा जो ब्लड वो प्यूरीफाई कौन करता है, तो किडनी करता है। अब वही खराब हो गया तो कौन प्यूरीफाई करेगा भाई, तो हम लोगों को कृत्रिम तरीके से करवाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल तरीका यूज करवाना पड़ेगा प्यूरीफाई करने के लिए। तो उसी आर्टिफिशियल तरीका को प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए प्रयुक्त होता है। तो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, तो क्रॉप इंश्योरेंस इससे कुछ पता चल रहा होगा आपको कि क्रॉप का इंश्योरेंस करने का स्कीम, ठीक है, क्रॉप मतलब होता है फसल, तो फसल का इंश्योरेंस। ठीक है, प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, मतलब कि PMFBI, ठीक है, PMFBY, सॉरी, ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई थी, जिसमें क्या था कि इस योजना के तहत यदि आपकी फसल को किसी भी तरह का नुकसान होता है, ठीक है, प्राकृतिक किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसमें आपकी फसल का बीमा होता है, उसमें आपको 25% उसका मिल जाता था। ठीक है, फसल जो आपकी लागत थी उसकी, उसका 25% आपको मिल जाता था। यह PMFBY योजना थी फसलों के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है ये वाला। यदि आप लोगों ने हमारे पहले NTPC के वीडियो नहीं देखे तो उनको भी जाकर देखिए, उसी में भी इस तरह के काफ़ी अच्छा डिस्कशन करवाया गया है। आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने आने वाले NTPC के एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ जाकर देखिए उसको। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए, ताकि हम लोगों को क्या कहते हैं सपोर्ट मिले, आपको मोटिवेशन मिले। और कमेंट ज़रूर करिएगा, जो मैंने आप लोगों से इस वीडियो में क्वेश्चन ऊपर पूछा था उसका कमेंट अवश्य करिएगा। लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।